अरे जयराम के पार्टी का हाल चाल है? वो सब वोट कटवन है, वो सब काटे लोग कह रहा था कि हम उधर महतो फील्ड है, हम चरी में रुके हुए थे, वो सब नाम के लिए पैसा लेके बैठ जाना, यही सब काम है। बैठल तो नहीं अभी तक ले। अरे बैठ ही जाना है भैया, सब निकलेगा। जयराम महतो तो हम ताबड़तोड़ बड़ी प्रचार किए, क्या लगता है कि डैमेज करेंगे जयप्रकाश पटेल? हाँ, पटेल को डैमेज करने के लिए खड़ा हुआ, और कोई बात नहीं, डैमेज करने के लिए खड़ा हुआ। बीजेपी सपोर्टर हो गया है जयराम महतो। बीजेपी का सपोर्टर कैसे मतलब कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं कि वो तो यहाँ पे जो खड़ा कर दिए हैं वो तो कांग्रेस का वोट काट दिए हैं। जयराम महतो का हवा पानी, उसका पल्ला भी कुछ नहीं, ऐसी हवा है, ऐसे हवा है ना। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। वोटर्स के मन की बात जो कार्यक्रम है सफ़र 24 का, इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आके पहुँचे हैं कुज्जू मार्केट में। जी हाँ, ये कुज्जू है और कुज्जू का ये डेली मार्केट एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ बाज़ार लगता है और सब कुछ है। यहाँ हम लोग वोटर्स के मन की बात के तहत जानने की कोशिश करेंगे कि कुज्जू का क्या माहौल है, इधर लोकसभा चुनाव में किधर पलरा भारी चल रहा है। तो चलिए कुछ दुकानदारों से, कुछ लोगों से बात करते हैं। अब क्या नाम हुआ? क्या नाम? एमडी मेहरबान। मेहरबान जी, इधर लोकसभा चुनाव का माहौल हम लोग जानने के लिए घूम रहे हैं पिछले 15 दिनों से, तो आज कुज्जू आए हैं मार्केट में, किधर चर्चा है इधर? इन लोगों का चर्चा इधर भाजपा का चर्चा है। भाजपा का है इधर? जेपी पटेल का क्या स्थिति है? जयप्रकाश पटेल इधर बहुत दिन से कब्जा जमाए बैठे हैं मांडू विधानसभा से, और आप बोल रहे हैं कि भाजपा का चर्चा है? यहाँ वही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो पिछले 10 साल से यहाँ जयप्रकाश भाई पटेल क्या कर रहे हैं बताइए? भाजपा का यहाँ वर्चस्व है। हाँ, वही निकलेगा, चुनाव चल रहा है लोकसभा का, तो हजारीबाग संसदीय सीट आप लोग का, इधर क्या माहौल है, किसके तरफ इधर रुझान देखते हैं? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत अनुभव भी होगा आपको। अभी जयप्रकाश भाई पटेल हैं, मनीष जायसवाल हैं, दो लोगों के बीच क्या लगता टक्कर है? जिसको नमक अभी हम खा रहे हैं तो नमक हलाली नहीं करना चाहिए, उसे कि नमक पर देना चाहिए। इनका नमक खा रहे हैं मोदी सरकार, मोदी सरकार का। इधर जो है जयप्रकाश पटेल जो हैं वो पिछले 2 बार से हैं, उनके उससे पहले टेकलाल महतो थे, तो इनका काफ़ी पुराना गढ़ रहा है इधर, तो क्या उनका मार्केट नहीं है? मार्केट था, लेकिन अभी 10 साल से जो है जो चल रहा है, खा पी रहे हैं, तो उसी के जरिए से ना दुख सुख वही। अभी विद्या पेंशन मोदी सरकार दिया, इंदिरा आवास मोदी सरकार दिया, और कहीं गरीबी की जो है जगह वगैरह जमीन में कुछ अबुआ आवास तो दे रहा है हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन भी तो अबुआ आवास दे रहे हैं, तो 50,000 लोन माफ़ किए, ऐसा थोड़ी उनका काम नहीं है। बोल वृद्धा वाला जो दे रहा है। हाँ, वृद्धा पेंशन। हाँ, तो वृद्धा पेंशन तो पुराना योजना है, 60 साल के बाद तो देना है सब। हाँ, वही चीज़ मिल रहा है, वही चीज़ समझेंगे आपका। जयप्रकाश पटेल का काम इधर मांडू विधानसभा में नहीं ठीक है, काम आप कुछ बताइए। जेपी पटेल का कोई इधर उपलब्धि नहीं है, कुछ नहीं, इधर कोई विकास नहीं हुआ जेपी पटेल का। 2 बार से जीत कैसे रहे थे बताइए? क्या करिएगा, उसका अपना क्षेत्र में जीतता होगा, बिशुनगढ़ क्षेत्र से, इधर आने उनका कास्ट वाला वोट पड़ता है। हाँ, इधर का कोई विकास विकास का क्षेत्र नहीं है, अभी मोदी ला रहा है, ओनली फॉर मोदी, फॉर मोदी। हाँ, आप बताइए कुछ, इसका लहर है वो तो बता दिए, मोदी जी की लहर है, ककर लहर रहेगा अभी? लहर उन्हीं का, चाय वाले आप है इसीलिए आप पलट नहीं सकते, काम कर रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बीजेपी पर चला जाएगा सब, पहले भी जाते रहा उन्हीं का, जयंत सिन्हा को जाता था पहले वोट यहाँ? जयंत सिन्हा को तो कभी वोटे यहाँ से नहीं गया, जयंत सिन्हा को नहीं गया तो कैसे चल जाएगा? मनीष जायसवाल को गया था, लेकिन वो भी मतलब कुछ नहीं, कुछ देखा। जयंत सिन्हा 2 साल रहे हैं, 2 बार रहे हैं 10 साल तक ले, उसके पहले पिताजी उनका भी रहे, उनको इधर से वोट नहीं जाता था? जाता था किसी ने, लेकिन वो ककरा न छोड़िएगा, सबको देता था लोग, सब एक जाता था, वोट नहीं पड़ेगा किसी को, जी नहीं पड़ेगा किसी को। आप लोग तो जैसा बोल रहे हो उसके हिसाब से तो कुजू में एक तरफा पड़ेगा, नहीं वैसा थोड़ी होता है, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा वोट पड़ेगा। यहाँ चारों को पूछे, चारों बोल रहे हैं बीजेपी लहर है,
नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मान लीजिए ठीक है हमारा विचार कुछ है, अगला विचार कुछ है, तो सभी तो बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो कांग्रेस को भी नहीं मिलेगा, आपसे अपना वोट तो बटेगा ही कुछ न कुछ। आपका विचार क्या है सर? हमारा विचार क्या है, हम अपना विचार हम कैसे आपको बता देंगे? आपका विचार क्या है? हमारा हमारा जो विचार है हम आपको कैसे बता देंगे हमारा विचार में क्या है? अच्छा माहौल एकदम एक तरफा है, नहीं ना उसकी मिक्स माहौल है, उसके विषय में हमको पता नहीं है। आप कुछ ही पा रहे हैं? नहीं हम डायरेक्ट बात खुल के नहीं बोल रहे। अच्छा चाय आप बनाते हैं, चीनी का दाम महंगा है कि कम है? चीनी सस्ता है तो महंगा है, सस्ता है तब महंगाई नहीं है? नहीं नहीं महंगा है, पांच वाला हल्ला कर रहा है महंगाई है महंगाई। कितना घर में उपजा रहे हैं आप? तो इस घर में कितना उपजा रहे हैं? घरों में खाने लिए उपजा रहे हैं, घरों में हल्ला कहाँ लाओगे? सरकार कोई सरकार बैठेगा कहाँ लाओगे? वो अपना घर में कुछ हो ही नहीं रहा है, पहले मार रहा है, बदरिए से हो रहा है, बरसाते नहीं हो रहा है, तो कहाँ से महंगे खाइएगा? तो कोई सरकार भी रहेगा महंगा तो होना ही होगा। इनका महंगाई बढ़ गया है, चाय का रेट वही मिल रहा है, पुराने रेट में मिल रहा है, घाटा हो रहा है इनका। बताइए सर आप कुछ, इधर तो बोल रहे हैं माहौल मोदी जी का है, क्या बोले बताइए? सब बोलता है माहौल अपने अनुसार बताता है, आप अपने अनुसार बताइए आपके घर के आसपास किधर माहौल है? हम लोग तो भाई पटेल जी को जिताना है। जयप्रकाश पटेल? हाँ वो हम लोग को विधायक था, विधायक से उन्हें जिताना, विधायक थे अब सांसद बना देना। हाँ उनको बना देना, पिछला बार भी विधायक भी वोट दिए थे? हाँ दिए थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पिछला बार तो उनको दिए थे लेकिन पार्टी बदलनी है इसलिए इस बार नहीं देंगे। तो मतलब नहीं है, आदमी हमारा है ना, यहाँ आपका आदमी है पटेल जी आदमी है, तो अब जिस पर है तो जो पार्टी बदलेगा उस पार्टी में वोट देंगे, जो पार्टी में जाएगा वो पार्टी फिर कांग्रेस में कांग्रेस देंगे, फिर बीजेपी आ जाएगा बीजेपी देंगे। पटेल जी का काम इधर होगा तब तो बराबर जीत रहे हैं। हाँ ठीक है, काम काम ठीक है। आप बताइए। हाँ ठीक है। जे पी पटेल? हम लोग वही में है, ये है इसी में है। जहाँ पार्टी बदलने से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं नहीं कुछ, जो उनका कैडर है से है। हाँ जो है सब लगता है निकल जाएंगे, एकदम निकल जाएंगे। अच्छा टक्कर में क्या रहेंगे मनीष जायसवाल की? दोनों नोक पर रहेगा एकदम टक्कर है। अरे जयराम का पार्टी का हाल चाल है? वो सब वोट कटवन है, वो सब काटे लोग कह रहा था कि हम उधर महतो फील्ड है, हम चरी में रुके हुए थे, वो सब नाम के लिए पैसा लेके बैठ जाना यही सब काम है। बैठा तो नहीं अभी तक ले। अरे बैठ ही जाना है भैया, सब निकलेगा। जयराम महतो तो हम ताबड़तोड़ बड़ी प्रचार किए, क्या लगता है कि डैमेज करेंगे जयप्रकाश पटेल? हाँ पटेल को डैमेज करने के लिए खड़ा हुआ, और कोई बात नहीं, डैमेज करने के लिए खड़ा हुआ। इधर आप लोग का जो जूता दुकान है, व्यापार है, कितने दिनों से है? लगभग बहुत दिनों से, लगभग 10-20 साल? 20 साल मान लीजिए। 20 साल तो पुराने आदमी आप हैं। हाँ 20 साल से हैं, तो आप इधर माहौल मार्केट का काफ़ी नॉलेज होगा, संसदीय क्षेत्र है इधर हजारीबाग का, तो चुनाव का झुकाव किधर बन रहा है? अभी तो हमको मालूम नहीं है किधर झुकाव है। इसलिए आपको पूछे कितना दिन से आप हैं? बोलते रहे, वोट देते होंगे ना? कैसे नहीं वोट तो देवे करते हैं। दो गो है तो तीन गो तो टक्कर में, दो गो मनीष जायसवाल हैं एक तरफ, जयप्रकाश पटेल हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं इनका संजय मेहता का। नहीं दो चीज़ के हैं, एगो कमल छाप एगो हाथ छाप। कमल छाप हाथ छाप, बाकी तीसरा नहीं है? तीसरा नहीं है कोई। मौलवी साहब इधर वोट का क्या माहौल चल रहा है? विकास काम हुआ जयप्रकाश भाई पटेल के समय से इधर कुछ? 10 साल से हैं, उससे पहले टेकलाल महतो भी थे, उनका खानदानी इधर समझिए चल रहा है, नेतागिरी वाला बिजनेस है, कुछ विकास का माहौल कहने वोट दीजिए जो है जो है जो है। अच्छा खैनी खिलाते हैं, बताइए कि इधर खैनी खाने वाले लोगों का क्या मूड चल रहा है माहौल चुनाव में? कि चुनाव में बीजेपी जीत रहा है फुल बहुमत से, 400 प्लस। क्या बात करते हैं, फुल 110% 400 प्लस। अरे यार दो वर्ष जो 40 साल से गढ़ बना के बैठे हैं जेपी पटेल से, उससे कोई दिक्कत नहीं, गढ़ बनने से क्या होगा, आदमी काम देखता है काम। हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, मोदी जी को, ओनली फॉर मोदी जी। कुजू चौक से थोड़े से आगे आए हैं हम, और एक रामेश्वर मेंस पार्लर है, यहाँ कुछ लोग हैं जो बाल दाढ़ी बना रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुजू का क्या माहौल है। तो चलिए अंदर चलते हैं पार्लर के अंदर और देखते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पब्लिक का रिव्यू लेते हैं कि इधर क्या माहौल है। आइए सर, आप यहाँ कितने दिन से मेंस पार्लर चला रहे हैं? अपना नाम पहले बता दीजिए। बसंत ठाकुर। बसंत ठाकुर, बसंत जी लगभग कितने दिनों से आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं अपना दुकान? यहाँ यही दुकान है 3-4 साल से।
अच्छा, इससे पहले भी था कहीं? हाँ, इस चौक में कम से कम 15 साल। 15 साल से? 15 साल से आप इस लाइन में हैं। आपको क्या लगता है कभी कि इस लाइन को छोड़ करके शायद नौकरी उकरी मिल जाता तो अच्छा रहता? कभी ऐसा सोचे हैं? मलाल आया है क्या मन में? होता है, लेकिन हम क्या बताएं। एक होता है ना कि चलो ठीक है, हाँ। हम उतना पढ़ाई क्या बोलते हैं नौकरी लायक हम पढ़ाई नहीं की, नौकरी लायक मतलब अच्छा, इसीलिए वैसा असंतोष का भाव नहीं आता होगा कि चलो काम तो अपना कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दिए फाइनली जिस काम के लिए आए हम लोग, इधर संसदीय क्षेत्र हजारीबाग का, तो इस बार संसद के चुनाव में क्या लग रहा है कि इधर झुकाव बनता दिख रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते ऐसे, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा इसलिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। आप अभी तक क्लियर है, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। लेकिन फिर भी एक माहौल, जैसे आप चलिए मनीष जायसवाल को समर्थन करते हैं, लेकिन चारों तरफ एक माहौल होगा ना कि टक्कर किसका रहेगा या फिर कौन क्या निकलेगा? टक्कर क्या बात है, यहाँ क्लियर है मनीष जायसवाल, क्लियर है हेमंत सोरेन से हम लोग सबको दिक्कत है, उनसे मतलब सपोर्ट नहीं करता। देख रहे हैं अब कहानी सुन रहे हैं। अच्छा, जेएमएम को सपोर्ट नहीं करते, वो क्या है, राज्य सरकार का कुछ काम गलत है या फिर क्या? गलत है, एकदम गलत है। जैसे जैसे नहीं देखे अभी जमीन क्या किस चीज में वो अंदर गए हैं? अच्छा, जमीन मामला में गए सो, तो उसके बाद क्या क्या देखते हैं, वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, पता चलता है स्टूडेंट लोग का लीक हो जाता है। अच्छा, इतना साल से मेहनत किया हुआ सब बच्चा सब निराश हो जाता है। मतलब युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है इस पर सरकार ध्यान नहीं देती नहीं, है वैकेंसी में पेपर लीक हो जाता है, ये सब मुद्दा आपके लिए सीरियस मुद्दा है ना? देखिए, बहुत सारे लोग जो मुद्दा लेता है ना, वो धार्मिक मुद्दा लेता है और भी लेता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, हम धार्मिक मुद्दा लेकर नहीं बात कर रहे हैं, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं समझिए एक पढ़े लिखे का मुद्दा उठा रहे हैं, आप सीरियस है इस मामले में। हमको ये सोचकर हैरान हो रहा है कि बच्चों को पढ़े हैं तो हमको नौकरी, मेरा आने वाला भविष्य भी तो है, मेरा बाल बच्चा फिर उसमें तो ये करेगा, उस पर तो उम्मीद रखें कि उन लोग नौकरी करें, इस तरह होते रहेगा तो कहाँ से कभी नौकरी कर पाएगा उन लोग। मतलब लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं, समय जब आता है नौकरी का तो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम रद्द हो जाता है, लड़का लोग का फिर लास्ट में ना कोई काम सीखा रहता है ना कुछ, पता चलता है कि जब बेरोजगार हो गया इधर उधर जैसे तैसे अपना चला। अच्छा, पिछला बार सरकार रघुवर सरकार को हटाने समय हेमंत सोरेन को क्या वोट दिए थे आप लोग? रघुवर आप बीजेपी को ही वोट किए थे? हम नहीं दिए थे। अच्छा चलिए, इनसे थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा बाल बनाते बनाते आपसे बतियाएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्या इनका बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? एकदम बीजेपी ही आएगा? बीजेपी ही आएगा। अरे जेपी पटेल 2 बार से हैं तो इनका बाजार एकदम क्या खराब हो गया पूरा? एकदम फालतू आदमी है लोग, इन लोग के विषय में कोई बात ही नहीं करना, इन लोग काम नहीं करते नहीं। उसमें फालतू है कि पलटी मार रहे हैं वो? नहीं, कोई काम नहीं किया इन लोग, कुछ भी नहीं। तो जीत कैसे रहे हैं बार बार, कोई खानदानी सीट कब्जा करके रखे हैं ना? पॉलिटिक्स आज तक कोई समझ नहीं पाया और हम तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। पॉलिटिक्स हम लोग सही बात है, पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है इसका कोई नहीं बता पाएगा। उसको तो वोट मारे नहीं थे, अगले बार कैसे जीत गया हम नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि कास्ट फैक्टर उनका यहाँ काम कर रहा है? हो रहा है, सब हो रहा है, ये सब। पॉलिटिक्स बहुत घटिया चीज़ है, इसलिए कास्ट का इधर गढ़ है, इसकी वजह से लगता है निकल जाना। बस वही है, वही कारण है। कुछ बताइए आप भैया। हम क्या, हम मनीष जायसवाल बोल रहा है, आप बोलिए अपना बात। जयराम महतो को भी कहीं कहीं हल्ला सुन रहे हैं? जयराम महतो हल्ला था उधर की तरफ है, गिरडी तरफ का, यहाँ चरी में तो हम लोगों से पूछे थे, वहाँ महिलाएं बहुत अधिक संख्या में बोल रहे हैं। भी है, हम लोग का गांव तरफ भी है, बोलबाला है। नहीं, हम लोग पार्टी से नहीं है सर, हम लोग मीडिया से, हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, पार्टी का हम लोग को ठप्पा मत लगाइए, हम लोग को जो लोग बोलता है सबका बात सुनाते हैं, किसी का बात काटते हैं। हाँ तो है उनका भी। जयराम महतो गिरिडीह से तो पूरा टक्कर में है, लेकिन उनके ही पार्टी से संजय मेहता है, है लगता है कि इनका भी रहेगा। हाँ इधर उनका भी बोलबाला है, जयराम महतो का। जयराम महतो का तुझू में आप लोग, आपका कहा किधर खड़े? हम लोग का ये मुनपा गाँव है। अच्छा, मुनपा। हाँ, तो उधर मतलब किधर है ये जो पंचायत भवन जो फोर लेन के साइड में है ना? नहीं, तो उधर मतलब मैक्सिमम झुकाव किधर दिख रहे हैं अभी आप? झुकाव तो उधर ही देख रहे हैं अभी, मतलब कि ये क्या कहते हैं उसको, बीजेपी जयराम तो है ही है, जेपी पटेल नहीं उसका लगता है, इधर पता साफ है कर दीजिएगा। अपना बिशुनगढ़ जो है ना, बस वही रहेगा उसका, उतना सुन में थोड़े सीट निकाल पाएंगे खाली बिशुनगढ़। हाँ तो बस वही रहेगा, इधर से संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा वोट सब जगह चाहिए।
खाली एक जगह खूब मिल जाएगा और बाकी जगह नहीं मिलेगा तो आप नहीं जीतेंगे। बाकी जगह तो सब सबको मिल के ही मिलेगा, मतलब उसको 75 मिला तो इसको 25 ही मिलेगा उम्मीद रहते। इंडिया के अंदर गठबंधन में आए तो हमको नहीं लगता है कि कुछ फायदा होगा उनको ना। अच्छा जयराम का क्या है इधर, बोल रहे थे है थोड़ा बहुत तो है रहेगा। अच्छा जेपी पटेल का वोट काटेंगे या फिर मनीष जायसवाल को डैमेज करेंगे? जेपी पटेल जाति वाला फैक्टर यानी कि मनीष जायसवाल को जिताने में और कामयाब कर रहे हैं ना। वही कर रहे हैं, खड़ा हुए तो मनीष जायसवाल के लिए फायदा हो गया, फायदा हो गया, पूरा फायदा हो गया। बीजेपी का सपोर्टर कैसे मतलब कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं कि वो तो यहाँ पे जो खड़ा कर दिए हैं वो तो कांग्रेस का वोट काट दिए हैं। हाँ हम जहाँ भी जाते हैं लोग ये बोलता है, जैसे अभी भी ये बोल रहे थे, क्योंकि एक कास्ट फैक्टर भी उनका हो जा रहा है और दूसरे भी फैक्टर से वो वोट कांग्रेस का ही कट रहा है, कांग्रेस इंडिया का ही। हाँ उसी का वोट कट रहा है और कोई बात, बीजेपी का जो अपना वोट है अपने जगह पर है, बीजेपी हर हाल में निकले। चलिए बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग कुजू चौक पर भी रुके थे और एक मेंस पार्लर में यहाँ पर हम आए रामेश्वर जी के। जो माहौल है इधर भले ही विधानसभा क्षेत्र जेपी पटेल का है लेकिन हवा उनका नहीं है, टायर पंचर दिख रहा है, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं उनके जो उनका गढ़ हम मान रहे थे लेकिन उनके गढ़ में सेंध लग चुका है और मनीष जायसवाल का मोदी जी का इधर भी बोलबाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि वोटिंग के बाद कि किस तरह के टक्कर में रहते हैं या फिर बिल्कुल ही टक्कर में नहीं रहते हैं। हम लोग वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम करते करते अब कुजू चौक से ही अंदर है, हम लोग एक मीट शॉप पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या और इधर का क्या माहौल है। माहौल में अभी यही है इधर का बाबू की बात ऐसा है कि अभी इधर कोई चुनाव का प्रचार नहीं हो रहा है, अभी शांति है एकदम। वहाँ चौक पर रुके थे हाँ। तो वहाँ कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि जिहे ये जेपी पटेल का गढ़ है तो उनका वोट जाएगा हाँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी जी का लहर है तो मनीष जायसवाल को जाएगा हाँ। तो कुछ लोग वहाँ बता रहे थे हाँ, कुछ लोग बताते होंगे, लोग वहाँ वही कहना पार्टी के लोग होंगे इसलिए कुछ बता रहे हैं। हम लोग को नॉर्मल है, हम लोग कोई पार्टी वाला आदमी है नहीं, हम लोग नॉर्मल है। आप बताइए चाचा क्या स्थिति रहेगा इधर, अभी हल्ला गुल्ला छोड़ दीजिए, स्थिति क्या रहेगा आखिर, जेपी पटेल है ना दो बार से? देखिए हमको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी बीजेपी का है, उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लहर था तो वो सीट निकाले विधानसभा का, अब बीजेपी का लहर खत्म हो गया इसलिए हम कांग्रेस में आ गए। नहीं नहीं बीजेपी ही का सरकार उसी का बनेगा, चाहे आप लाख सर पर टेक के मर जाइए, सरकार उन्हीं का बनेगा। हाँ हाँ उन्हीं का सरकार होगा, कोई दो राय नहीं। तो 10 साल काम नहीं किए ठीक से, कहा 10 साल ये क्या काम किए उनके पहले टेकलाल महतो थे? कुछ नहीं करना, वो अभी खाली आए होंगे, अभी आए भी नहीं हैं, कभी आएंगे रोड से इधर तो आते ही नहीं कभी, तो हम लोग उनको चिन्ह नहीं करते हैं तो हम उनको वोट क्या देंगे बताइए? दो बार से विधायक हैं यहाँ पर, एक बार उनको हम चिन्हते भी नहीं, इतना उम्र में उनके बाबू जी को चिन्हते थे लेकिन उनको नहीं चिन्हते हैं। अच्छा एक अलग टाइप का सवाल करेंगे आपसे, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जेपी पटेल को भाजपा से कांग्रेस में ला करके जो टिकट दिया गया, अगर अंबा प्रसाद जो पहले से कांग्रेस में थी उसको टिकट मिलता तो आपको क्या लगता? वो निकल जाती, उनको नहीं कोई रोक रहा था, उनका अच्छा भी है, अच्छा कहना ये था उनका, अच्छा पकड़ भी था, अच्छा व्यवहार भी था, अच्छा अखलाक भी था उनका, जेपी पटेल से अच्छा छवि अच्छा हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम उसके दरवाजे गरीब भी जाता था तो उसका सुनवाई होता था, जनता दरबार रैली लगाती जी जी जी, उनके पर था इतना खूबी, लेकिन इनके इनको तो हम लोग देखे भी नहीं है, इनके बाबू जी को देखे हैं, अभी इनको हम लोग नहीं देखे, आप सोचिए कि कैसा नेता है ये। कांग्रेस समझिए गलती कर दी टिकट बांटने में हजारीबाग, जी 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 बहुत बड़ा गलती, क्योंकि हम भुरकुंडा गए थे पतरातू, वहाँ भी जब मैंने इस बात को कहा तो लोग यही कहे कि अगर अंबा प्रसाद खड़ा होती तो मनीष जायसवाल नहीं टिकता एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है मनीष जायसवाल को पूरा टक्कर भयंकर एकदम टक्कर, क्या कहना है कि उसका 16 नहीं इनका 12 है ना जी, उनका जो व्यवहार है ना, हम लोग का उस क्षेत्र तो नहीं पड़ता है लेकिन हम लोग उस क्षेत्र से गुजरते हैं तो हम लोग को मालूम होता है कि हाँ कैसा है वो, उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। आप कुछ बताएंगे? नहीं, एक ही आदमी से कितना बात करें, थोड़ा कुछ भी आप भी बता दीजिए, कुछ से बोल कम से कम माइक चालू है, कुछ तो बताइए। अरे क्या बोले, जो भी कर रहा है सब अपना जगह में सब सही कर रहा है,
किधर है पिछला, अच्छा इस बार छोड़ दिए, पिछला बार किधर को वोट दिए थे बताइए? पिछला बार भी दिए थे कांग्रेस को दिए थे हम लोग, पिछला बार, इस बार अब बार भी हम कांग्रेस को ही देंगे, जयप्रकाश भाई पटेल को। हाँ बोल रहे इधर आते उते नहीं है कहीं दर्शन ना, कांग्रेस को ही हम देंगे, 20 वोट है, हम देखो वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को ही देंगे। अजय राम महतो का हवा पानी उसका पल्ला भी कुछ नहीं, ऐसी हवा है अभी, ऐसे हवा है ना। आप दिन भर यहाँ होटल चलाते हैं, लोग आते जाते होंगे, तो कुछ चर्चाएं तो होती होगी, क्या माहौल है इधर? बीजेपी तरफ से, बीजेपी, बीजेपी। मौलवी साहब भी बोल रहे थे कि मोदी जी ही जीतेंगे। हाँ मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे, पूरा लहर चली रहा उनका, चल रहा है। प्रकाश पटेल इधर दो बार से विधायक है तो उनका कुछ नहीं है बाजार? कुछ नहीं किया, नहीं कुछ काम किया, कोई काम नहीं किया है। हाँ तो कोई काम नहीं किया, खास करके कुछ में कोई काम नहीं किया, अपना जगह में जहाँ से जीता है मांडू विधानसभा उधर से अपना काम किया, जहाँ उसका घर है वहाँ, मांडू विधानसभा में आता है ना, आता है, बाकी जहाँ उनका घर है वहाँ पर ही काम, उतने दूर काम, बस उतना काम, इधर कुछ कुछ नहीं आज तक, कुछ नहीं कभी आज तक, खाली जीतने वाला शकल दिखाता है बस चल देता है अपना जीत के। देखिए जहाँ भी हम जा रहे हैं मनीष जायसवाल का एक लहर है। चलिए प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, सुबह से हम लोग कैंपेन में निकले थे, वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।